स्वागत है। मैं हूँ सुप्रिया पाठक और आज हम बात करेंगे एक खास मुद्दे पे। हजारीबाग के बलगांव प्रखंड के महुदी गांव में 1983 से लेकर आज तक रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला गया है और ना ही राम जन्मोत्सव मनाया गया है। जब यह जानकारी साध्वी सरस्वती को दी गई, तो उन्होंने हिंदू धर्म का हवाला देते हुए 25 मार्च को जुलूस निकालने का वादा किया है और यह बात उन्होंने प्रेस से भी की। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, वहां से हिंदू विरोधी गतिविधियां भी हो रही है, तो मुझे दुख लगा। मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैंने वहाँ के मंच में, बड़का गांव के मंच पे ये संकल्प लिया कि ठीक है, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, शरीर और प्राण से तो प्यारा लोगों को कुछ होता नहीं है, हम वो भी समर्पित कर चुके हैं देश के लिए, तो इस बार महुदी में हम यात्रा निकालेंगे। हमने ये संकल्प लिया है। जब इसको लेकर के हमने हमारे बिहार के पदाधिकारियों को और संजय भैया को मुख्य रूप से हमने जब दायित्व दिया और कहा भैया कि हमें ये कार्य करना है, तो उन्होंने बहुत प्रसन्नतापूर्वक ये कार्य संभाला है और अभी तक बहुत मेहनत भी कर रहे हैं उसको लेकर के। तब हमें पूरी संरचना के बाद ये समझ में आया कि वहाँ के गाँव के लोग सब आगे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे जो अल्पसंख्यक है वो भी पलायन पर जाते हैं गांव से रामनवमी की यात्रा के समय। जो मुद्दा अभी रोक लगाने का है वो सिर्फ प्रशासन का है। प्रशासन रामनवमी की यात्रा निकालने नहीं दे रही है हमें। प्रशासन का कहना है कि सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं या बिला बिला जो भी उनकी बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं, परंतु हम आपसे एक बात कहते हैं कि हम इस देश में रहते हैं, भारत भले हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो लेकिन भारत के सिवा दुनिया में कोई और हिंदू राष्ट्र है भी नहीं। आप इस देश से दूसरे अल्पसंख्यकों को निकालें तो उनको रहने के लिए बहुत सारे देश हैं जो उनको शरण दे सकते हैं, लेकिन क्या भारत में रह करके अब हमें रामनवमी की यात्रा के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ेगी? अपने भगवान जिन्होंने हमें जन्म दिया उनकी यात्रा निकालने के लिए भी सरकार के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, हम एक तरफ कहते हैं कि राम का राज्य चल रहा है, राम का देश राज्य आ गया है, केंद्र में भी सरकार है राम की कहते हैं और यहाँ आपके प्रांत में भी है, सरकार की तरफ से तो मुझे अभी तक कोई ऐसी घटनाक्रम नहीं आई है, लेकिन लोकल की जो राजनीति है वो इतनी गंदी है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगी वहाँ पे, परंतु वहाँ के पॉलिटिकल लोग अपनी राजनीति की रोटी की सेकने के लिए मतलब सारे हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, परंतु हम किसी भी व्यक्ति विशेष के कहने पे नहीं आने वाले। इस बार रामनवमी की यात्रा निकलेगी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधार में और सारे संतों के मार्गदर्शन में। मैं भारत के और भी कई संतों से ये बात कर चुकी हूँ, तो शायद उनका भी आगमन इस कार्यक्रम में हो और मैं मेरे सारे रामनवमी के कार्यक्रमों को छोड़ करके इस बार विशेषकर महुदी के कार्यक्रम में आई हूँ। तो देखना यह है कि साध्वी सरस्वती की बातों में कितनी सच्चाई है। तो क्या इस बार महुदी के लोग जुलूस देख पाएंगे और राम जन्मोत्सव मना पाएंगे?